अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तो जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। तो आज हम आपको दिखाने वाले दुनिया में मौजूद 10 ऐसे क्रिकेट जो अरबपति हैं। नंबर 10, शाइन वाटसन। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर शाइन वाटसन क्रिकेट में कोई अजनबी नाम नहीं है। मशहूर क्रिकेट स्टार शाइन वाटसन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्क्वाड का एक आला मेंबर था, जो अक्सर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कुछ मैचों में नुमाइंदगी भी करता रहा है। ऑलराउंडर शाइन वाटसन, जिन्होंने अपना पहला ओडीआई मैच 24 दिसंबर 2002 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला और उन्होंने अपना आखिरी मैच 15 दिसंबर 2015 को इंग्लैंड के खिलाफ खेलकर पूरी तरह क्रिकेट को फायरबाज कह दिया था। शाइन वाटसन ने क्रिकेट खेलकर तकरीबन $30 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे कमाए। नंबर 9, युवराज सिंह। युवराज सिंह क्रिकेट की तारीख का एक जाना माना नाम है। युवराज सिंह इंडियन क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर था। उन्होंने अपना पहला मैच सन 2000 में कीनिया के खिलाफ खेला। उन्होंने अपना आखिरी मैच सन 2017 में खेलकर क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया था। नाज़रीन, उन्होंने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, जिन्होंने उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड 6 गेंदों पर 6 छक्के मारना है और वो किसी दौर में आईपीएल का बहुत महंगा क्रिकेटर माना जाता था। युवराज सिंह फेफड़ों की बीमारी की वजह से मजीद आगे कोई क्रिकेट भी ना खेल सके। युवराज सिंह इस वक्त तकरीबन $35 मिलियन का मालिक है। नंबर 8, जैक वेस। ये साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा नाम था। इंटरनेशनल करियर में उन्होंने अपना पहला मैच 1995 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। इसको साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टार करार दिया गया था। इसने अपना पहला मैच 14 दिसंबर 1995 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। नाज़रीन, उसने इंटरनेशनल करियर में तकरीबन 327 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 11,500 से ज़्यादा रन बनाए। ऑलराउंडर जैक वेस, जिसने 328 मैचेस में तकरीबन 250 से ज़्यादा विकेट भी हासिल की और इस वक्त इसकी कुल मालियत तकरीबन $37 मिलियन से ज़्यादा है। नंबर 7, वीरेंद्र सहवाग। यह एक हिंदुस्तानी क्रिकेटर था। इसका क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था। सहवाग ने अपनी मेहनत से बहुत दफ़ा हारे हुए मैच भी अपनी टीम को जितवाए। इसने अपना पहला मैच 1999 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला। इसने वनडे 241 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 8,270 रन बनाए। सहवाग हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में एक रीढ़ की हड्डी की तरह माना जाता था। नाज़रीन, इसने अपना आखिरी मैच 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला। इसके बाद उसने क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया था और इस वक्त इसकी कुल मालियत तकरीबन $41 मिलियन से भी ज़्यादा है। नंबर 6, शाइन वॉर्न। शाइन वॉर्न एक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर था। यह क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉल को ब्रेक करने वाला एक बॉलर था। बड़े बड़े बैट्समैन इसकी बॉलिंग से डरते थे। नाज़रीन, इसने अपना पहला मैच 2 जनवरी 1992 को इंडिया के खिलाफ खेला। जैक वॉर्न ने इंटरनेशनल टेस्ट करियर में 108 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 708 से ज़्यादा विकेटें हासिल की। ये एक बहुत गुस्से वाला क्रिकेटर था और जिसकी वजह से इस पर ICC ने पाबंदी आयद कर दी थी और इस वक्त इसकी कुल मालियत तकरीबन $54 मिलियन से भी ज़्यादा है। नंबर 5, ब्रायन लारा। नाज़रीन, ब्रायन लारा एक वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेटर था। ब्रायन लारा का करियर एक बहुत ही शानदार करियर गुजरा है। ब्रायन लारा ने अपना पहला मैच 1990 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला। इसने कुल ODI मैच 300 से ज़्यादा मैच खेले, जिसमें उन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए और इसने तीनों फॉर्मेट में अपना लोहा मनवाया। नाज़रीन, इसने अपना आखिरी मैच 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला और इसके बाद उसने क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया। नाज़रीन, इसको बहुत ही कामयाब कप्तान भी माना गया है और इस वक्त इसकी कुल मालियत तकरीबन $60 मिलियन है। नंबर 4, रिकी पोंटिंग। साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान और अब कोच रिकी पोंटिंग ने इस्तीफा से पहले क्रिकेट पर हुक्मरानी की। बैनुल अक्वामी सतह पर रिकी पोंटिंग को दुनिया का सबसे कामयाब तरीन कप्तान भी माना जाता है। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपनी क्रिकेट का लोहा मनवाया।
रिकी पोंटिंग, जिसको मैन ऑफ द क्रिकेट से भी नवाजा गया था। इसने इंटरनेशनल करियर में तकरीबन 2000 से ज़्यादा अवार्ड भी हासिल किए। रिकी पोंटिंग ने तकरीबन 324 मैचों में कप्तानी की और जिसमें उन्होंने 225 मैच से ज़्यादा जितवाए। इस वक्त इसकी कुल मालियत तकरीबन $65 मिलियन है। नंबर 3, विराट कोहली। इस वक्त दुनिया के बेहतरीन और अमीर तरीन खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली सुपरस्टार है। दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली मुसलसल 3 साल से पहले नंबर पर आ रहा है। इसने अपना पहला मैच 8 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ खेला। अब तक विराट कोहली ने 250 ओडीआई मैच खेले, जिसमें उन्होंने तकरीबन 11,500 से रन बनाए और इस वक्त इसकी कुल मालियत तकरीबन $95 मिलियन से ज़्यादा है। नंबर 2, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एक कामयाब क्रिकेटर था। उसने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की 3 मैच में कप्तानी भी की। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला मैच 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला। उसने 350 से ज़्यादा मैच खेले, जिसमें उन्होंने 11,000 से ज़्यादा रन बनाए। उसने ओडीआई आखिरी मैच 9 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त $112 मिलियन के मालिक हैं। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। नाज़रीन, दुनिया का सबसे अमीर तरीन खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर एक अजीम तरीन खिलाड़ी था। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला मैच 1999 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला। सचिन तेंदुलकर दुनिया का वो वाहिद प्लेयर है जिसने 30,000 से ज़्यादा रन बनाए और 100 से ज़्यादा सेंचुरियाँ भी बनाई। सचिन तेंदुलकर ने 465 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 18,000 से ज़्यादा रन बनाए। उसने अपना आखिरी मैच 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला। इस वक्त इसकी कुल मलकियत तकरीबन $115 मिलियन है। इसी से हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।